नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग टूल बार है क्या और फॉर्मेटिंग टूल बार पे जो किस किस तरीके के ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि एग्जाम ट्रिपल सी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन वगैरह बहुत पूछे जाते हैं कि जो है वो आपके फॉर्मेटिंग बार में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, या आपको ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं कि ये ऑप्शन जो है वो फॉर्मेटिंग टूल बार पे होता है या नहीं। तो इसीलिए आज हम फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार को एक करके समझेंगे कि फॉर्मेटिंग टूल बार जो है वो कहाँ होती है एप्लीकेशन में और हम उसका यूज जो है वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार है क्या। देखिए, आप जो अपने एप्लीकेशन पर आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की एप्लीकेशन पर, तो आपके सामने एक जो है वो विंडो खुली हुई है। विंडो पर पेज दिख रहा है आपको, बाकी सारी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जहाँ पे जो आपका ये एरिया होता है जहाँ पर आपको मेन्यूज मिलते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, टूल्स, विंडो है, ये जो सारी मेन्यूज हैं, मेन्यूज के नीचे वाला जो पार्ट है, देखिए जैसे आपको ये कुछ यहाँ पे ऑप्शंस रखे हुए दिख रहे हैं, कुछ इसके नीचे भी रखे हुए दिख रहे हैं। होता क्या है कि आपकी जो आपके आपके एप्लीकेशन में कई सारे टाइप की टूल बार्स होती है, लेकिन आपकी जो डिफॉल्ट टूल बार्स होती है वो दो होती हैं। वो आपको मिलती है स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार। यानी कि जब भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो हमें दो टूल बार जो है वो हमेशा दिखाई देती हैं, स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग। अब क्योंकि आज हम फॉर्मेटिंग टूल बार की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये कि फॉर्मेटिंग टूल बार इन दोनों में से कौन सी आपकी। देखिए, आपका जो नीचे वाली ये जो टूल बार है, यहाँ पे जो आपको फॉन्ट है, साइज है, कलर वगैरह जो ये चीजें दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है। आप फॉर्मेटिंग टूल बार को जो है वो व्यू मेन्यू पर जाकर भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपके में नहीं खुली है तो आपको बस इतना करना है, व्यू मेन्यू में जाएं। व्यू में आपको मिलता है टूल बार्स का ऑप्शन, आप बस टूल बार्स पे आ जाएं। ये जो ऑप्शन टूल बार्स का, इसमें क्या होता है, जो आपको ये सारी ये दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 3D सेटिंग है, ये एरो है, बुलेट नंबरिंग, ये सारे के सारे टूल बार्स ही हैं। बट ये तब खुलते हैं जब हम इस टाइप का वर्क करते हैं। जैसे अगर मैं बुलेट लगाऊं अपने एप्लीकेशन में किसी भी डॉक्यूमेंट पर, अगर मैं बुलेट वगैरह ऐड कराना चाहूँ, तो जब मैं बुलेट वगैरह लगा दूंगी तब वहां पर बुलेट एंड नंबरिंग की जो टूल बार है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपके सिस्टम में दो टूल बार लगी है, मैंने बताया फॉर्मेटिंग और स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे देखिए टिक बन के भी आ रहे हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार लगी है और यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार जो है वो ऑलरेडी अप्लाइड है। अब अगर आप इनको हटाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके हटा सकते हैं। देखिए, ये हमारी टूल बार गायब हो गई, कौन सी चली गई, यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार जो है वो हमने हटा दिया है। अब दोबारा लेना चाहो तो फिर से क्लिक कर लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से अब आपने अपने टूल बार्स पे, टूल बार्स के ऑप्शन क्या क्या, आप कैसे इनको यूज करते हैं। एक और चीज उससे पहले कि अगर आपको क्वेश्चन में ये ऑप्शन पूछा जाए कि क्या टूल बार को हम अपने अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन में कहीं भी रख सकते हैं, तो आपका जो ऑप्शन होगा अगर वो ट्रू फॉल्स में है तो वो सही है, ट्रू है। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि जो हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार है, कोई भी टाइप की टूल बार है, यहाँ पे अगर आप यूजर या स्टूडेंट उसको अपने अकॉर्डिंग कहीं भी रखना चाहे अपने एप्लीकेशन में, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो आप अपने हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं। देखिए कैसे रखते हैं, जैसे आपकी जो टूल बार है आपको दिख रहा होगा, दोनों टूल बार्स में ऑप्शन से पहले यहाँ पे कुछ डॉट्स टाइप के बने हुए हैं। अगर हम इन पे अपना कर्सर लेके जाते हैं तो कर्सर हमारा चेंज हो जाता है। आपको करना क्या है, अगर आपको इसको मूव कराना है तो आपको बस इस पर अपना कर्सर लेके जाना है, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को दबाए रखना है, और अगर आप इसको जहां भी लेके आना चाहे, देखिए नीचे दिखने लगा क्योंकि मैं इसको नीचे लेके आ रही हूँ, और आपको जहां भी रखना हो वहां पे इस फ्लैग को छोड़ दीजिए। देखिए, हमने जैसे ही इसको वहां पे जाके छोड़ा, ये क्या हुआ, ये बीच में रख गया। अगर आप नीचे रखना चाहें तो नीचे के रख सकते हैं। इस तरीके से अपनी टूल बार को आप मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मुझे वहां नहीं रखनी तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट करा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि क्या टूल बार जो है वो लिब्रे ऑफिस में अपने अकॉर्डिंग मूव हो जाती है नहीं, तो ये जो आंसर है आपके वहां पे काम आएगा एग्जाम में। तो अब बात करते हैं टूल बार के ऑप्शन की। तो हम फॉर्मेटिंग टूल बार की बात कर रहे हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे पहले हम इन ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार, आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मेटिंग टूल बार जो है उसका मतलब है इस पर हमें फॉर्मेट से रिलेटेड ऑप्शन मिलते होंगे। फॉर्मेटिंग करना, जैसे कलर करना, आपका बोल्ड इटैलिक लगाना, फॉन्ट साइज बढ़ाना, ये सारी फॉर्मेटिंग ही होती है हमारे टेक्स्ट की। तो इसीलिए हमें इस टूल बार का नाम दिया है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको सबसे पहले मिलता है फॉन्ट का नाम। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के फॉन्ट मिल जाते हैं। आपको जो भी फॉन्ट चाहिए तो वो यहाँ से हम ले सकते हैं। तो एक तरीके से ये भी हम फॉर्मेटिंग ही करते हैं अपने टेक्स्ट पर। यहाँ से आप फॉन्ट ले लीजिए। ये फॉन्ट का साइज होता है हमारा, साइज यहाँ पे आपका मिनिमम 6 है और मैक्सिमम जो है वो 96 है। आप यहाँ पे मिनिमम 6 से लेके मैक्सिमम 96 तक जो है वो अपना फॉन्ट साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद
आपको यहाँ पे ये मिलता है, ये है बोल्ड। बोल्ड का मतलब वही हमारा जो टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह करना हो, तो जैसे अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पे आप समझ लो, ये मैंने टाइप किया, मैं आप बोल्ड करना चाहूँ, ये हो भी रहा है नहीं, तो देखिए यहाँ पे बोल्ड अप्लाई हो गया। हटाना है, सिंपली उस पर क्लिक करके हटा दीजिए। नेक्स्ट हमारा इटैलिक है, अगर मैं इसको इटैलिक लेटर बनाना चाहूँ, देखिए थोड़े से लेटर पीछे हो गए, इसको चेंज कर लेते हैं तो बैक हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन है। अंडरलाइन जैसे हमने, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह यूज किया होगा तो उसमें भी अंडरलाइन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ भी सेम है। अगर हम अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन यहाँ पे ऐड होगी। अब यहाँ पे ये जो छोटा ऑप्शन है, इसका मतलब है कि हम अंडरलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे जो हमारी अंडरलाइन है वो भी सिंपल आ रही है, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, ये देखिए ये अंडरलाइन आ रही है सिंपल। मैं चाहती हूँ कि अंडरलाइन का स्टाइल थोड़ा अलग होना चाहिए। यहाँ पे देखिए विदाउट है तो आप हटा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे आई, यहाँ पे सिंगल है, डबल है, तो देखिए डबल लाइनिंग आ रही है। अगर आप यहाँ पे डॉटेड या डैशेस जो भी लगाना चाहें, देखिए यहाँ पे चेंज होती जा रही है, तो मैं लगा के दिखाती जा रही हूँ, वो यूज होता जा रहा है। अगर आप चाहो कि अंडरलाइन के और भी स्टाइल होने चाहिए, यहाँ पे हम यूज कर चुके हैं कुछ और हो, तो आपको मोर ऑप्शन मिलता है। देखिए जब आप मोर ऑप्शन पे आते हो, मोर ऑप्शन में क्या होता है कि मोर ऑप्शन में हमें अपनी अंडरलाइन को अलग अलग तरीके से यूज करने का यहाँ ऑप्शन मिलता है। जैसे सबसे पहले यहाँ कलर है, जैसे अगर आप चाहो कि आपको ब्लैक नहीं लेनी तो आप यहाँ पे कलर चेंज कर लो। मान लो मैंने यहाँ पे ये कर दिया ऑरेंज कलर, या कोई भी कलर मान लेते हैं यहाँ पे, चलो हमने यहाँ पे आके हमने ले लिया ब्लू कलर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओवरलाइनिंग, मतलब आप उसके ऊपर लाइनिंग लेना चाहते हैं। अंडरलाइनिंग तो नीचे आती है, मैं चाहती हूँ कि मुझे उसके ऊपर लाइनिंग लेनी है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इधर प्रीव्यू में दिख भी रहा है, यहाँ पे ऊपर एक लाइन आ रही है। अगर मैं ओके कर दूँ तो आपको ऊपर लाइन दिखने लगेगी, तो अंडरलाइन की सेटिंग है। अगर आप इस चीज को हटाना चाहते हैं कि आपने अप्लाई कर रखा है, आप इसको हटाना चाहो, तो सिंपली आप उसी ऑप्शन में जाओ, ओवरलाइनिंग में, और यहाँ पे विदाउट है, या और भी दिए गए हैं वो सारे आप यूज करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे फिलहाल विदाउट किया और हटा दिया। अच्छा यहाँ पे एक चीज और अच्छी है, डबल में आप करेंगे तो डबल का यहाँ का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने येलो दे दिया तो यहाँ क्या होगा, जो ऊपर लाइनिंग है वो येलो वाली है, अगर नहीं चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद इधर नीचे आ रहा इफेक्ट। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट में जैसे मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ पे कैपिटल लेटर लेना है, लेकिन मैंने स्मॉल लेटर ले रखा है। मैं यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं कैपिटल्स पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे लेटर सारे कैपिटल हो गए। अगर आप चाहते हो कि सारे मुझे लोअर लेने हैं तो सारे लोअर आ रहे हैं, अगर आप चाहो लेटर कैपिटल आएंगे। सेम अगर आप इफेक्ट का भी कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे कलर तो दिया गया ऊपर आपका। अगर आपको कि मुझे स्ट्राइक थ्रू वगैरह लगाना है, तो देखिए यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू आप कर सकते हो। सिंगल देखा होगा आपने, ये बीच में लाइन आती है, डबल दो लाइनिंग आती है। अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे जो है वो विद इस स्लैश टाइप का करना है, जैसे आप दिया हुआ है, तो देखिए आपकी जो लाइनिंग है वो आपको ये वाली दिखाई देगी, सॉरी ये विद, ये देखिए इस टाइप की आ रही है। इसके अलावा अगर आप कहीं एक्स टाइप का बनाना है, तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सेस करके ये क्या है, स्ट्राइक थ्रो लगा है, तो आपको जो भी लगाना हो वो यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया है रिलीफ। रिलीफ क्या चीज है, जैसे अगर आपके टेक्स्ट में कुछ इफेक्ट आपको डालना हो, जैसे इम्बॉज्ड कर देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ही चेंज हुआ। चेंज ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा, मोटा टाइप का। अगर आप इनग्रेव पे क्लिक कर देते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो इफेक्ट है, आप यूज करके देखो, समझ में आएगा तब आपको। अंडरलाइनिंग ये देखिए फिर से आगे कैसी चाहिए, डॉटेड स्लैश में चाहिए, जो भी आपको चाहिए, वेव टाइप की चाहिए, वेव जैसे यहाँ पे ये लहर टाइप की, तो नीचे देखिए एक वेव टाइप की आ रही है। जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। कलर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ अंडरलाइन कलर पे जाइए, ये देखिए ब्लू पे क्लिक कर लें, ये देखिए वेव टाइप की आ रही है। नहीं लेना हो तो आप विदाउट कर लो। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन है, ये देखिए टेक्स्ट की आउटलाइन आ रही है। अगर मैं चाहूँ मेरा टेक्स्ट आउटलाइन टाइप का है, तो देखिए आउटलाइन है। शेडो लगाना चाहो अगर आप, तो देखिए इसी में ये शेडो आ रही है, ब्लैक कलर की परछाई आ रही है टेक्स्ट के साथ। ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग का मतलब है कि जब आप टेक्स्ट को यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ओके कर देंगे, तो आपके पेज पर जो आपका टेक्स्ट होगा वो आपको ब्लिंक करेगा। देखिए ब्लिंक करके देख लेते हैं, मान लो ब्लिंक का कलर जो है मैंने चेंज कर दिया, यही रहने देते हैं, हमने यहाँ पे आके उसको ओके करा दिया, तो देखिए क्या होगा कि आप जब आप यहाँ पे आके देखिए मेरा टेक्स्ट क्या हो रहा है, ब्लिंक होके गायब हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहां पे क्या लगा रखा है, ब्लिंकिंग लगा रखा है। तो इस टाइप से आप अलग टाइप के इफेक्ट लगा ले। हटाना हो अगर आपको, आपको भी बार बार ब्लिंक होके रह गया है, तो आप यहाँ पे नॉर्मली इस पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो टेक्स्ट आपका देखिए अब नहीं जा रहा है, क्योंकि ये ब्लिंक मैंने हटा दिया। तो ये क्या है, अंडरलाइन के अलग अलग स्टाइल है। अगर आपको अपने टेक्स्ट में स्ट्राइक थ्रू लगाना है, आप चाहते हो इतना अंदर जाके कौन लगाएंगे अंडरलाइन में, आपके सामने स्ट्राइक थ्रू दिया है, इस पर क्लिक कर लीजिए, ये देखिए लग गया। हटाना हो सिलेक्टेड करके यहाँ से हटा दीजिए। नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट होता है, ये सुपरस्क्रिप्ट, वही यहाँ पे अगर मुझे H2O CO2 इस तरीके से लिखना हो तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, और अगर आपको पावर वगैरह लगाना हो, X² वगैरह लिखना हो, तो आप यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो जैसे करके देखा CO2, अब मैं चाहती हूँ जो CO है
वो एक साथ आई, बट टू जो है वो नीचे आई, जैसे केमिस्ट्री के फंक्शंस में होते हैं, फॉर्मूला में होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये लिखने के बाद यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, आपने अप्लाई जैसे कि आप लिखे टू, लेकिन नीचे आ रहा है, और अपना वर्क होने के बाद उसको हटा दें, क्योंकि नहीं तो आगे के लेटर होंगे वो उसी के साथ चलते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको कि मुझे जैसे एक्स स्क्वायर पावर वगैरह चढ़ानी है, तो मैंने यहाँ लिखा एक्स और मैंने ये ले लिया यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिख दिया टू, देखिए ऊपर आने लगा सेम। अगर हटाना हो तो उसपे क्लिक करके आप नॉर्मल कर लीजिए। तो इस तरीके से ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब मैंने जो कुछ फॉर्मेटिंग लगा रखी हो उसको मुझे हटाना होगा। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और इधर से आके मैंने एक फॉन्ट लगा दिया। अब ये सब कुछ मुझे अगर हटाना है तो मुझे वन बाय वन करके हटाना पड़ेगा जैसे लगाया है। एक काम करते हैं, इसको सेलेक्टेड करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एम है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, या अगर आप शॉर्टकट की नहीं यूज करना चाहते तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए क्लियर फॉर्मेटिंग। देखिए क्या हुआ, टेक्स्ट फॉन्ट जो होता है वो 12 साइज है, तो 12 से ही स्टार्टिंग हुई। कलर वगैरह जो है वो सब कुछ है इसका रिमूव हो गया। तो ये क्या है, यहाँ से आप इस तरीके से अगर आप टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग लगा चुके हैं उसको क्लियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है फॉन्ट कलर। अगर आप इस फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहो, ब्लैक नहीं लेना है, तो मैं इधर से आपके कोई भी कलर चेंज कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे ये रिसेंट भी दिखा रहा है, अगर अभी आपने रिसेंट में कोई कलर यूज किए होंगे तो वो नीचे देखने लगेंगे। जैसे यहाँ पे आके मान लो मैंने लगा दिया ब्लू कलर, तो मेरा टेक्स्ट कैसा हो गया, ब्लू कलर। इसके बाद आपको अगर इसको हटाना हो, एक चीज याद रखिएगा, अगर आप फॉन्ट का कलर हटाने वाले हैं तो फॉन्ट के कलर में नो कलर का ऑप्शन नहीं मिलता। आप ढूंढो यहाँ पे नो कलर का है, क्योंकि फॉन्ट पर बाय डिफॉल्ट आपको एक ना एक कलर रखना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम बिना कलर लगाए नो कर लें, क्योंकि नो में फिर आपको अगर कोई कोई भी चीज लिखोगे आप तो आपको दिखाई नहीं देगी। इसीलिए इसका ऑटोमेटिक कलर होता है, ऑटोमेटिक का मतलब ब्लैक, जैसे ऑटोमेटिक करेंगे ब्लैक हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे दिया गया हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर सिंपली अगर टेक्स्ट को आपको हाईलाइट दिखाना है, हाईलाइट कराना है, तो आप यहाँ से जाके कोई भी हाईलाइट कलर लगा सकते हैं, येलो या जो भी अपने अकॉर्डिंग आपको चाहिए वो यहाँ से यूज कर लें। हटाना हो तो जैसे आपने अप्लाई किया है वैसे ही जाकर यहाँ पे कर लीजिए नो फिल। नो फिल का मतलब मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये हट गया। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है टॉगल बुलेटेड लिस्ट, यानी कि अगर आपको कोई बुलेट लिस्ट वगैरह लगाने हो, जैसे आपने देखा होगा कि टेक्स्ट में या पैराग्राफ में स्टार्टिंग में कुछ अलग अलग टाइप के सिंबल्स दिए रहते हैं, तो जैसे यहाँ पे जब आप टॉगल पे आते हो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए अलग अलग टाइप के सिंबल्स आ रहे हैं, आपको जो भी इनमें से लगाना हो उस पर आके क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लग गया, और अच्छी बात है हम एंटर करेंगे, अगर मैं यहाँ पे कोई और वर्ड टाइप करना चाहूँ तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो सीरीज आती रहती है, मतलब हमें उस नंबर्स को बार बार नहीं लेना पड़ता। तो ये क्या है, आपके टॉगल हैं, इनमें सिर्फ आपको सिंबल्स मिलते हैं, जैसे ये वाला ले लीजिए आप एरो वाला, या ये वाला ले लीजिए आपको जो भी अच्छा लगे। तरीके से हम नंबर लिस्ट ये लगाते हैं, टॉगल लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट। अगर आप सिंबल ना लगाना चाहो, नंबर लगाना चाहो, तो देखो यहाँ पे नंबर्स भी दिए गए हैं, इसको टॉगल नंबर कहते हैं। ये देखिए नंबर आ रहे हैं अलग टाइप के, 1 2 3 ABC रोमन नंबर, मान लेते हैं मैंने ये 1 2 3 अप्लाई कर दिया। अब अगर आप इस पे कोई भी वर्ड वगैरह जो है वो टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से जो है वो ये टाइप करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे नंबर सीरीज नहीं लेनी है, आपको ABC में लिखना है, तो सिंपल यहीं पे नंबरिंग में आपको ABC मिलता है। ABC का भी फॉर्मेट है कि आपको कैपिटल लेटर में चाहिए, स्मॉल में चाहिए, या कैसे चाहिए। यहाँ पे रोमन नंबर आ रहे हैं, अगर मैं रोमन नंबर में लेना चाहूँ तो रोमन में भी ले सकती हूँ। तो यहाँ से हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे मिलता है लेफ्ट लाइन। अलाइन क्या चीज है, अलाइन का मतलब ये होता है कि पेज पर जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपका कर्सर है वो किस साइड होता है, लेफ्ट में या राइट में। तो ज्यादातर जब हम एप्लीकेशन पर काम करते हैं हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं, यानी कि जब भी कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लिखते हैं। तो ये क्या चीज है, ये आपका अलाइनमेंट होता है कि पेज पर आप किस तरीके से किस साइड से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट होता है वो लेफ्ट होता है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो आप ये चेंज कर सकते हो। सेंटर है, सेंटर या शॉर्टकट की भी इनकी दी गई है, सेंटर पर अगर मैं क्लिक करूंगी तो मैं अगर कुछ भी लिखना चाहूँ तो वो कहाँ से लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा बीच से, यानी कि सेंटर से स्टार्ट होगा। अगर आप कह रहे हो कि मुझे सेंटर से नहीं, मुझे राइट से लिखना है, तो देखिए यहाँ पे राइट दिया गया है। अगर आप राइट पे क्लिक कर देंगे तो आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट से। देखिए अब हर जो भी टेक्स्ट में लिखूंगी वो राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया था जस्टिफाइड। जस्टिफाइड क्या होता है, जैसे लेफ्ट राइट में तो हमें दिख रहा होता है कि लेफ्ट से लिख रहे हैं, राइट से लिख रहे हैं, या सेंटर से लिख रहे हैं। जस्टिफाई में ऐसा कुछ नहीं होता। जस्टिफाई में क्यों नहीं होता, जस्टिफाई में इसलिए नहीं होता कि जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि लेफ्ट और राइट एरिया बराबर,
जैसे आपने बुक वगैरह में देखा होगा, बुक में टैक्स जो है वो लेफ्ट से अगर स्टार्ट होगा तो राइट में बिल्कुल बराबर ही होगा, जैसे हमारा ये इंडेंट है, मतलब इधर से स्टार्ट होगा टैक्स और इधर ही खत्म होगा, आगे पीछे लाइनिंग नहीं मिलेगी। जैसे मान लो हम इसको करके देख लेते हैं कि कैसे जो जस्टिफाई वो काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये मैंने जो है वो टैक्स दिया गया। अब टैक्स में प्रॉब्लम ये है कि अगर इस टेक्स्ट में कहीं पर आपको लाइनिंग ज्यादा दिख रही है, कहीं पे छोटी कहीं पे बड़ी, जैसे इधर देखिए यहाँ पे ये थोड़ी सी आगे है थोड़ी सी पीछे है, मैं चाहती हूँ कि जैसे लेफ्ट वाला पोर्शन है बिल्कुल सीधा बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम जस्टिफाई का यूज करते हैं। देखिए आप इसको सेलेक्टेड करिए टेक्स्ट को और इधर से आगे जस्टिफाई लगा लीजिए। अगर जस्टिफाई समझ में नहीं आए, पहले आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर लीजिए। चेंज हुआ, देखिए यहाँ पे डिफरेंस है। और जब मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट जो पार्ट है वो बिल्कुल जो है वो बराबर दिखेगा। तो इसको हम कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में जैसे लाइन के बीच का स्पेस अगर हम कम ज्यादा करना चाहें, जैसे देखिए अभी हर लाइन के बीच में थोड़ा सा स्पेसेस है, मैं ही चाहती हूँ कि इस स्पेस को थोड़ा सा बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है स्पेसिंग 1, स्पेसिंग 1.15, मतलब यहाँ पे इनके साइजेस हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी 1 है, अगर मैं 1.15 कर दूँ तो मुझे थोड़ा सा साइज ज्यादा दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मैं 1.5 कर दूँ तो थोड़ा सा और दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं 2 कर देती हूँ तो और भी दिखेगा। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे कस्टम वैल्यू दिखा रहा है लाइन स्पेसिंग। यहाँ क्या होगा, अभी डबल लगा हुआ है, यानी कि जो हमने 2 तो लगाया है लेकिन उसको बोलते हैं डबल। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मुझे यहाँ पे करना है, ये हमारी जो लाइन स्पेसिंग है वो करनी है 1, तो मैं पे सिंगल कर दूंगी। देखिए सिंगल आ गया। अगर आप चाहो कि यहाँ पे करना है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट में। और अच्छी बात ये है कि आपको दिखाता भी है ये नीचे, जैसे ये देखिए मान लो मैंने यहाँ डबल ले लिया या मैंने यहाँ से ले लिया एटलीस्ट, तो यहाँ दिखाएगा कि 0 सेंटीमीटर है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ बढ़ा भी सकते हो। जैसे मैंने 5 किया तो 5 में यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ से जाके हमने हटाया 5, ये देखिए, और एंटर मार दिया, तो यहाँ क्या होगा, पैराग्राफ के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस हो गया, मैंने 15 लिख दिया इसीलिए यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने पेज का स्पेस जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए फिक्स्ड किया तो बहुत ही कम यहाँ पे हो गया और दिखा भी रहा है मुझे 0.15 सेंटीमीटर। तो आपको जो भी लेना हो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ के जो स्पेस है वो आपको इंक्रीज करना हो, बढ़ाना हो। जैसे मैं चाहती हूँ मुझे इसका स्पेस बढ़ाना है, तो देखिए आप इंक्रीज पे करेंगे, ये देखिए। और पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ के पहले एक पैराग्राफ के बाद। जैसे यहाँ पे आई, मैंने इसके बीच में ये और दे दिया, इन ये दो अलग अलग पैराग्राफ हो गए। मैं चाहती हूँ कि मुझे इस पैराग्राफ को स्पेस बढ़ाना है ऊपर से नीचे, ये देखिए चेंज हो रहा है। और अगर आपको हटाना हो उसका स्पेस तो ये डिक्रीज कर लीजिए। डिक्रीज में क्या होगा, स्पेस जो है वो कम होता जाएगा, जितना था उसी पे लास्ट में यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। वही सेम हमें अपने इंडेंट को थोड़ा बढ़ाना है। मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से नहीं लिखना, मैं चाहती हूँ यहाँ 4 से स्टार्टिंग हो, तो हम क्या करते हैं इंडेंट को बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, ये देखिए 4 से हुआ। अब जब भी आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे तो हर बार कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से आपका। और बढ़ाना चाहो तो आप और भी बढ़ा सकते हो, ये देखिए। और बैक करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट मतलब बैक करना हो कितना आपको घटाना हो, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना है। ये क्या है आपका लास्ट में, ये दिया है लेफ्ट टू राइट, मतलब हम जो कुछ भी अभी लिख रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। अगर आप चेंज करना चाहो कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाए तो यहीं पे देखिए ये दिया गया है राइट टू लेफ्ट, तो हम यहाँ पे इसके शॉर्टकट की भी है। हम जैसे ही राइट टू लेफ्ट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट अब कहाँ जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये क्या है, ये कुछ अलग अलग टाइप के यहाँ पे टूल्स, अलग अलग टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं जिनका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग अलग अलग टाइप अलग अलग तरीके की कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये पूरी हमारी फॉर्मेटिंग बार है और फॉर्मेटिंग बार में ये सारे ऑप्शन जो है वो आपको मिलते हैं। याद रखिएगा जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपके SSSC में वो यही पूछे जाते हैं इसी तरीके के, कि जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार पे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, या आपसे पूछ लेंगे कि जो टेक्स्ट हाइलाइटर कलर है वो किस टूल बार पर होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टेबल टूल बार या पिक्चर टूल बार, इस तरीके के ऑप्शन पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। तो ये हमारी पूरी की पूरी जो है फॉर्मेटिंग टूल बार है। तो आप सब इस टूल बार का यूज करके देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये टूल बार। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टूल बार के बारे में बात करेंगे और इस तरीके से समझेंगे जैसे हमने इस टूल बार को समझा था। तो तब तक आप लोग इन सारे टूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए।